हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू द चैनल श्री जी एंश्योर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्विंग के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट तो सुना होगा, बट क्या आपने स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सुना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में हम अपने ट्रेड को इंट्राडे ट्रेडिंग की तरह ओनली वन डे के लिए होल्ड नहीं करते, बल्कि ट्रेडिंग ड्यूरेशन एक दिन से ज्यादा की होती है। स्विंग ट्रेडिंग की ड्यूरेशन कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्तों तक की हो सकती है। इट मींस कि आपका इन्वेस्टमेंट आप इतने दिनों तक होल्ड करके रख सकते हैं और जब आपको सही लगे तब आप विथड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमारे पास एक दिन का ही ऑप्शन होता है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। बट ब्यूटी ऑफ स्विंग ट्रेडिंग इज दैट अगर आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस का मूवमेंट होने में कुछ दिनों का समय लगेगा, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रख सकते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आजकल स्विंग ट्रेडर्स इजिली 10-25% का रिटर्न अर्न कर लेते हैं कुछ ही वीक्स में और कभी कभी कुछ दिनों में। स्विंग ट्रेडिंग का एक और बेनिफिट ये है कि इसमें मेंटली बहुत कम प्रेशर होता है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं झेल पाते वो लोग स्विंग को अपनाते हैं। इसके अलावा काफी लोग बड़े रिटर्न के लिए स्विंग ट्रेडिंग का यूज करते हैं और यही उनका ट्रेडिंग स्टाइल बन जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में रिसर्च करने का और इम्प्लीमेंटेशन का सही समय मिल जाता है, जिसमें ज्यादा घिचपिच नहीं रहती। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।